चॉकलेट इसमें क्या इसमें बहुत कुछ डाल दिया सफेद। हाँ ये क्या बना रहे यार इसको? मच मुझ ये क्या बन गया? क्या बोलते इसको? मच मुझ बताया ना, मच मुझ पता नहीं क्या बोल दे। ये क्या कर रहे? अच्छा डार्क चॉकलेट ना, डार्क चॉकलेट चाहिए तो ना। डार्क चॉकलेट ले लेंगे हम। फोड़ दो ना यार, पता है मेरे को हर बार का चाहिए तुम्हारा। लो हो गया? हाँ हो गया। चॉकलेट फोड़ने के लिए बोला था, प्लास्टिक नहीं। तो प्लास्टिक का क्या काम? तो हो गया। चॉकलेट को अच्छे से पिघला लेंगे। अरे उसको वहां पे तो रखो। क्या रे लड़की, चॉकलेट भी पिघलाना नहीं आता रे इसको। ए भगवान, आता है मुझे। सो ये हमारी चॉकलेट हो गई तैयार। कहाँ तैयार हुई, कब से इसको मेल्ट ही किए जा रही हुई। चॉकलेट मेल्ट का काम मेरे को मत दिया करो, आप कर लिया करो पहले। नहीं वो सब वो टेस्टिंग का भी काम मैं ही करने वाला हूँ अभी। चलो अब हो गया ना, हो गया ना, हो गया ना। पसीना करके देखो ना कुकिंग गर्मी में। बाबा बाबा बाबा, वाह वाह। अच्छा अभी यहाँ पर क्या डालेंगे? इसमें डालेंगे मिल्क। ओके थोड़ा सा डाल देंगे और मिल्क। ठीक है इसको भी घुमा देंगे अच्छे से। इसमें अभी डाल देंगे थोड़ा सी दही। डाल देंगे थोड़ी सी दही। ओके इसको भी कर देंगे, इसको फिर से मिला देंगे। मिक्स 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 मिक्स। वाह ये तो स्मूथ टेक्सचर बन रहा है। बना लो बना लो। तो ये हो गया, तो इसमें डालना है साथ में हमको हनी थोड़ा। वाह वाह वाह, सब खराब करके रख देती है। तो इसमें डालना है थोड़ा सा हनी। अच्छा बनाओ क्योंकि टेस्ट मेरे को करना है। ओहो तुम कुछ टेस्ट का रिव्यू नहीं दे रही बजूबर अच्छे से। ऐसा मत बोलो यार, तुझे मुझे बुरा लगता है। पर चेहरा सुधारो ना अपना, अच्छे से बोला करो। अच्छे से ही तो बोलती हूँ यार। ठीक है ठीक है। अभी ये हो गया मिक्स, इसमें डाल देंगे चोको चिप्स। हाँ ये डाल दिए हमने चोको चिप्स। सही दिख रहा है ना? लोबी और डार्क चॉकलेट। ये तो दिख ही नहीं रही है। कैसे दिखेंगे डार्क चॉकलेट? डार्क चॉकलेट पे और क्या है? वाओ लावर वो पीस करने का। ये लो, तो ये ला लिया मैंने, तो इसमें डाल देते ऐसे ऐसे चोकोस। ठीक है फज केक बन जाएगा। क्या बनेगा? इसको मोच बोलते हैं, MOUCH। अब मोच पता नहीं क्या है, मैं बता रही हूँ ना। चलो रखो इसको भी। और इसको रखना है फ्रिज में 2 to 3 hours। ओके फिर ये बन जाएगा अपना मच मोच। तो 3 hours हो गया, मेरी हालत ऐसी हो गई है अभी पसीना। तुम्हारी हालत पहले से ही ऐसी है। ठीक है निकालो निकालो। तो ये हो गया हमारा मच मोच। मच फ्रीजर में किसने रखा? मैं ही हूँ इंसान, जल्दी होना चाहिए। वाह वेरी गुड। वाह ऐसा होते ये मच सही है रे, वो चॉकलेट ही सामान है ना, है ना। एकदम टेस्टी लग रहा है, एकदम स्वीट स्वीट हनी की वजह से। हाँ मस्त सॉफ्ट सॉफ्ट।